हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एनबी क्रिएशंस, वेलकम बैक टू माय किचन। आज का रेसिपी है मूंग दाल हलवा। मूंग दाल हलवा बेसिकली सारे इंडियन वेडिंग में आपको स्वीट डिश में तो पक्का मिलेगी। ये रेसिपी बहुत ही इजी है, बस थोड़ा सा ध्यान देना है इसको बनाने समय। इसकी रेसिपी देखते हैं। एक पैन चढ़ाएंगे, पैन में हमने गर्म करने के बाद ये ऐसे ड्राई मूंग दाल हमने रोस्ट करना है। इसको 2 से 3 मिनट रोस्ट करना है, इसका कलर हल्का चेंज हो जाए तो हम लोग गैस ऑफ कर देंगे। ये कलर चेंज हो गया है, अब गैस को जो हम लोग हैं वो ऑफ़ कर देंगे। इसको ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का रोस्ट करना है हमने इसे। और इसको हम लोग एक बर्तन में निकाल लेंगे और उसमें पानी ऐड कर देंगे। इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए फूलने छोड़ देंगे। जब ये फूल जाएगा तो ये थोड़ा डबल हो जाएगा, ये देखिए। अब इसे हम लोग ब्लेंड कर लेंगे, ये देखिए। ऐसे फाइन पेस्ट बनाना है हमने। और फिर से अब हम लोग एक कढ़ाई चढ़ाएंगे, कढ़ाई थोड़ा सा गर्म हो जाए। तो जितना हमने दाल लिया था उतना हम घी लेंगे। यहाँ पे शुद्ध घी का इस्तेमाल करेंगे तो आपका हलवा बहुत टेस्टी बनेगा। घी डालेंगे पैन में। घी अगर प्रॉपर जब मेल्ट हो जाए तो हम लोग यहाँ पे 2 टीस्पून बेसन यूज़ करेंगे और 2 टीस्पून सूजी यूज़ करेंगे। दोनों को डाल देंगे इसमें। अभी इसको डालने के बाद ही आपको एक छनछनाहट सी आवाज़ आएगी, तो वो इसका मतलब है कि सूजी जो है वो आपका घी में पक रहा है। इसे कंटिन्यूसली चलाते रहें ताकि जो बेसन है वो लम्स ना छोड़ दे, इसलिए इसको आप आराम से कंटिन्यूसली इसे चलाते रहेंगे। इसे स्टर करने के बाद ये देखिए इस तरीके से ये थोड़ा सा इस कंसिस्टेंसी में ये आपको ये दिखेगा। अब हमने जो दाल को ऐसे पीस के रखा है वो दाल इसमें हम लोग ऐड कर देंगे। दाल जब भी ऐड करें तो मेक श्योर आपका जो गैस का फ्लेम है एकदम लो हो, क्योंकि अब इसे लेके दाल पूरा हलवा बनने तक हम लोग दाल को लो फ्लेम पे ही पकाएंगे। अभी देखने में कितना सारा घी लग रहा था, देखिए दाल जो है वो घी को बहुत जल्दी अब्जॉर्ब कर लेता है। इधर हम लोग शुगर सिरप बना लेते हैं। शुगर सिरप बनाने के लिए हम लोग 1 कप चीनी ले लेंगे और 1 कप पानी ऐड कर देंगे। और इसमें हम लोग इलायची को कूट के डाल देंगे, इलायची पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं आप। थोड़ा सा सैफ्रन डाल देंगे, सैफ्रन थोड़ा सा ऑप्शनल है, मगर आप डालेंगे तो कलर भी इसका आएगा और टेस्ट भी आएगा। शुगर सिरप रेडी है ऑलमोस्ट। अब हम लोग गैस बंद कर देंगे, वापस से हलवे पे आ जाएंगे। हलवा को थोड़ा सा हमने गोल्डन ब्राउन करना है। इसे कंटिन्यूसली हम लोग ऐसे चलाते रहेंगे, नहीं तो हलवा जो है वो चिपक सकता है। वैसे हमने सूजी का इस्तेमाल किया है तो इस कारण से हलवे का चिपकने का चांसेस बहुत कम हो जाता है। कंटिन्यूसली चलाते रहें। आप अपने फेवरेट से कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आमंड्स और कैशू नट्स ऐड कर रही हूँ। देखिए इसका कलर मैं जूम करके दिखा रही थी। ये देखिए, ये बेसिकली ये टेक्सचर चाहिए हमें हलवे में। ये जब हलवा पूरा घी छोड़ने लग जाता है इसका मतलब हलवा रेडी है। इसमें आप अब शुगर सिरप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से गिरना चाहिए। अब इसमें शुगर सिरप ऐड कर दें और इसके बाद से अच्छे से पूरा पानी इसका सूख जाए और इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। उसके बाद आपका हलवा रेडी है। मूंग दाल का हलवा बनाना बहुत ही ईजी है। शादी में पार्टी में हम इसे हमेशा खाते हैं और सोचते हैं ये सब कैसे बनाना है, बट ये बहुत ही ईजी है। प्लीज़ ट्राई दिस रेसिपी। ये देखिए इसको गार्निश कर लीजिए थोड़ा सा और ड्राई फ्रूट्स के साथ। ट्राई कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।